नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ राउंडअप में छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन भिंड से मिल रही बड़ी खबर की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हो गया है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर ही हमला हो गया। लूट हत्या के फरार आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। जन्मदिन पार्टी के दौरान आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। पुलिस के साथ जमकर मारपीट हुई है। पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रौन थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फरार आरोपी सौरभ चौहान पर 11 मामले दर्ज हैं। तो भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया, पुलिस पार्टी पर ही हमला हुआ है, जो कि पुलिस पार्टी आरोपी को पकड़ने के लिए गई हुई थी। लूट हत्या के फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी, लेकिन पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। जन्मदिन पार्टी के दौरान आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी और पुलिस कर्मियों के साथ जमकर मारपीट हुई है। कपड़े भी फाड़ दिए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रौन थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ का ये मामला बताया जा रहा है और जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी सौरभ चौहान पर 11 मामले दर्ज हैं। तो भिंड में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी गई हुई थी, लेकिन पुलिस कर्मियों से ही जमकर मारपीट कर दी जाती है। वहां पर लूट हत्या के फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी। पुलिस कर्मी गए हुए थे और उन्हीं पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया जाता है। जन्मदिन पार्टी के दौरान आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी। पुलिस के साथ मारपीट हुई और उसका वीडियो भी सामने आया है। मारपीट में पुलिस के कपड़े भी फाड़ दिए गए। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। रौन थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ का मामला। आरोपी हालांकि मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और जिन जिन लोगों ने पुलिस की टीम के साथ मारपीट की, पुलिस कर्मियों को पीटा, उन पर भी अब मामले दर्ज होंगे, उनको भी सजा मिलेगी। फरार आरोपी सौरभ चौहान पर 11 मामले दर्ज हैं पहले से ही। तो भिंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम पर हमला हो गया है। पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए गई हुई थी। जन्मदिन के दौरान आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के कर्मी पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। जमकर मारपीट हुई, कपड़े भी फाड़ दिए गए पुलिस कर्मियों के। पुलिस के साथ हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। रौन थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ का मामला। आरोपी मौके से फरार है। फरार आरोपी सौरभ चौहान पर 11 मामले दर्ज हैं। तो ये घटना बताती है कि भिंड चंबल अंचल में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है बदमाशों में। एक तो अपराध करते हैं और जब पुलिस वाले उन्हें पकड़ने जाते हैं तो पुलिस वालों की ही पिटाई कर देते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं बदमाश। वहां पर कानून का, खाकी का, पुलिस का कोई भी खौफ डर उनको नहीं है। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर बलौदाबाजार में 12 मवेशियों को महानदी में बहाने का मामला सामने आया। इन मवेशियों को नदी में बहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जिसके बाद इसको लेकर बवाल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि जिन मवेशियों को महानदी में फेंका गया उनमें से 10 मरे हुए थे, जबकि 2 मवेशी घायल हालत में थे। उन दोनों मवेशियों को भी जिंदा नदी में फेंक दिया गया। मामला कसडोल के मालदा गांव का है, जहां इन मवेशियों को ट्रैक्टर में भरकर महानदी में बहा दिया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद जनपद पंचायत सीईओ हिमांशु वर्मा ने कहा है, सोशल मीडिया से इस मामले की जानकारी उनको मिली, जिसके बाद इसकी जांच के लिए टीम का गठन भी किया गया। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बात कही है जनपद पंचायत के सीईओ ने। पशु संदेह तो वहां तो नहीं हुए, स्थान में ग्रामवासियों के द्वारा रखे रही थी, वहाँ पंचायत भवन के अहाता में रख दे रही थी। लगातार बारिश 2-3 दिन से हुई से डूब गई रही से वन के अब व्यवस्था कर रही से अलग जगह ते जगह के गौठान है, वो कारण से पंचायत में 1-2 दिन के लिए रख दे रही से। रोज चराए जावे लेकिन लगातार बारिश से लेकिन कुछ 5-10 गाय की मृत्यु हो गई है। लगभग मैं देखे नहीं लेकिन फिर भी 5-10 बोला थे। तो वहीं जशपुर में आज हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी। मुद्दा था पत्थल गांव को अलग जिला बनाने की मांग का, जिसको लेकर हजारों महिलाओं और पुरुषों ने रैली निकाली और जशपुर जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब है कि पत्थल गांव को लंबे वक्त से जिला बनाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर स्थानीय लोग कई बार सड़कों पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर रैली निकालकर स्थानीय लोगों ने अलग जिला बनाए जाने की मांग शासन प्रशासन के सामने रखी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने रविवार को कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की शव यात्रा भी निकाली। वहीं शनिवार को मरवाही में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया था। बीजेपी युवा मोर्चा ने मरवाही में शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, साथ ही सीजीपीएससी की शव यात्रा को लेकर पूरे बस स्टैंड में घुमाया था और पूर्व सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवाली का पुतला दहन करने की कोशिश की थी। पुलिस ने पुतला दहन करने से बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। दो तस्वीरें जगदलपुर और दुर्ग से आप देख रहे हैं, जहां पर सीजीपीएससी घोटाले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब बात करेंगे राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सम्मेलन में शामिल होने सड़क मार्ग से बिलासपुर जाएंगे वो। राहुल की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने आज आला अधिकारियों की बैठक ली। लगभग 9 बजे राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से निजी होटल के लिए रवाना हो जाएंगे, फिर सड़क मार्ग से बिलासपुर जाएंगे। पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। लगभग 400 पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। जनसभा का कार्यक्रम है जिसके लिए रायपुर से रवाना होंगे। पूरी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जहाँ पे रुकने का रहेगा, जहाँ पे सेफ हाउसेस होंगे एयरपोर्ट में और रूट में सुरक्षा लगाई जा रही है और पर्याप्त सुरक्षा का बंदोबस्त लगाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया है कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है, तेलंगाना जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला टक्कर का होगा, करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है कि जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही। छत्तीसगढ़ ओके, राजस्थान वी आर वेरी क्लोज एंड वी थिंक वी विल बी एबल टू विन। राइट नाउ वी आर प्रोबेबली विनिंग तेलंगाना, राइट, वी आर सर्टेनली विनिंग मध्य प्रदेश, वी आर सर्टेनली विनिंग छत्तीसगढ़। राजस्थान वी आर वेरी क्लोज एंड वी थिंक वी विल बी एबल टू विन। राइट नाउ
we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है परिवर्तन यात्रा ने बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। परिवर्तन यात्रा से नई शिक्षा नीति देश के विकास के लिए अहम होगी, वहीं महिला आरक्षण बिल से महिलाओं को अधिकार मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, उनसे चर्चा करते हैं। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं सर, परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं क्या इस बार परिवर्तन के लिए काफी होगा परिवर्तन यात्रा? परिवर्तन यात्रा में जैसे लोगों के माहौल मैं देखता हूँ, लोगों की जितनी आशा और लोगों भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने आ रहे हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो गई और भाजपा की सरकार बनेगा जी। सबसे बड़ा मुद्दा है धान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, और दूसरा क्षेत्रवाद छत्तीसगढ़ियावाद की बात करती है कांग्रेस सरकार, क्या उस पे आगे बढ़ पाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से, ये कोई भी विषय में देखिए केंद्रीय सरकार के योगदान बहुत ही ज्यादा है। धान का मुद्दा में जो सपोर्टिंग प्राइस हमने कितने गुना बढ़ा दिया, ये सारे जो फार्मर्स ये देख रहे हैं। हमारे जो किसान सम्मान निधि, इसमें हम सारे कितने लोग पा रहे हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट उनका अकाउंट में ट्रांसफर होता है। महिला आरक्षण बिल की चर्चा काफी है, बीजेपी ने इसे पारित कर दिया है और ये नियम में आ गया है, क्या उतने आरक्षण महिलाओं को मिल पाएगा विधानसभा में या लोकसभा में आने वाले चुनाव में? देखिए महिला आरक्षण बिल हिम्मत करके बीजेपी ने पास किया, क्यों ना महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सम्मान, उनको ध्यान देना, ये सभी उनका प्रति जो विशेष रूप से नारी शक्ति को जैसे हम देवी देखते हैं, नारी जो शक्ति का देवी, धन का देवी, ज्ञान का देवी, सभी हम महिलाओं को देखते हैं, तो इसी के मान्यता दे के हम महिला आरक्षण बिल पास भी किया। नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, क्या कब तक के पूरा लागू हो पाएगा नई शिक्षा नीति? क्योंकि कई सारी चीजें यहाँ पे आ रही है कि राज्य और केंद्र का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से उसको अमल में लाना थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सारे हर स्टेट में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहे वो स्कूली शिक्षा में हो चाहे वो उच्च शिक्षा में हो, वो लागू हो रहे हैं। वो मीडिया में बोलते हैं हमने नहीं लागू करेंगे, लेकिन कोई भी राज्य सरकार लिखित रूप से ऐसा नहीं दिया जो हम इसको विरोध में, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, लेकिन सभी राज्यों इसको पारित करते हैं। क्यों करते हैं? सभी छात्र और उसके अभिभावकों को इनको अच्छे से अपनाया। सर केंद्रीय संस्थान राज्य और केंद्र के लिए भी प्रेस्टीज का विषय होता है, यहाँ पे IIT है NIT है, लेकिन देखा गया है कि इनकी रैंकिंग लंबे समय से नीचे गिरे। NIRF की रैंकिंग अभी आई जिसमें NIT 70वें पायदान पे है, 89 पायदान पे करीब IIT आई है। यहाँ मैन पावर की कमी बताई जा रही है, उससे अंदरूनी कलह, क्या इस चीज को ध्यान नहीं देना चाहिए केंद्रीय संस्थानों को? आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और ये हर महीना रोजगार मेला हो रहा है। इस बार भी आप देखिए 26 सितंबर फिर होगा रोजगार मेला, सभी जगह में, सभी NIT IIT सभी शिक्षण संस्था में हर महीना अपॉइंटमेंट दे रहे हैं हम, और मिशन मोड से इसके सारे व्यवस्था चल रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर सुभाष सरकार, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए अभी रायपुर आए हुए हैं और परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए जाएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बघेल सरकार पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचारी सरकार को बदलना बहुत जरूरी है, भूपेश सरकार ने गरीब बेरोजगारों को मजबूर किया। जयजयपुर में परिवर्तन यात्रा में बोले हैं मंडाविया, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से सीएम भूपेश बघेल पर वार किया है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और राव साहब भी इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। आप नहीं सही हो।
नौकरी का उसका अधिकार होता है। और भतीजावाद हो जाता है, पीएससी में घोटाला हो जाता है। मेरे गरीब परिवार के युवा लोगों को, मेरे एससी एसटी के गरीब परिवार के युवा लोग रायपुर के बाजार में नग्न होके निकलने की नौबत आ जाती है। दोस्तों, बहन बेटी पर अपनी इज्जत की सलामती नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये सिर्फ भूपेश सरकार को दोस्तों बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, जरा बताओ, बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अंबिकापुर से खबर, जहां महिला पर भालू ने हमला कर दिया। धान की फसल देखने गई थी महिला, तभी अचानक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। लखनपुर वन परिक्षेत्र के गांव तिरकेला की घटना है। बलरामपुर से खबर, कोटराही भवनीपारा में हाथियों ने उत्पात मचाया। एक तरफ भालुओं का आतंक जारी है, भालू का आतंक जारी है, वहीं हाथियों का उत्पात भी लगातार जारी है। 18 हाथियों के दल ने इलाके में डेरा डाल रखा है, धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। यहां थी वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है जंगली जानवरों से। दो तस्वीरें आपके सामने, अंबिकापुर में महिला पर भालू ने हमला कर दिया था, महिला भालू के हमले से घायल हो गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बलरामपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ में आज हादसों का रविवार साबित हुआ, जहां 3 अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में एक महिला की जान चली गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। पहला मामला सूरजपुर जिले का, जहां एक यात्रियों से भरी ऑटो बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो में सवार सभी यात्री दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बरबसपुर जा रहे थे। इसी दौरान कोतवाली क्षेत्र के नेवरा गांव के पास ऑटो पलट गया। दूसरा हादसा बलरामपुर में हुआ, जहां एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। हादसा दलधोवा घाट के पास हुआ है। वहीं बड़ौदाबाजार में भी एक बस और ट्रक की टक्कर हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक पेट्रोल भरवाकर निकल रहा था। और अब बात करेंगे लैंडस्लाइड की। दंतेवाड़ा में लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते रास्ता ही रुक गया। ये लैंडस्लाइड मनबर और जेटी स्टेशन के बीच हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भारी लैंडस्लाइड नजर आ रहा है और इसके चलते पूरा रेलवे ट्रैक जाम हो गया, बंद हो गया। ये लैंडस्लाइड के रेल लाइन पर हुआ है और इसके चलते रेल मार्ग ठप हो गया, बाधित हो गया। आलम यह है कि विशाखापट्टनम से किरंदुल जगदलपुर जाने वाली ट्रेन कोरापुट में ही फंस गई। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां सूरजपुर सूरज साहू हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों ने विधायक निवास घेराव किया, मुआवजे की मांग को लेकर घेराव किया। विधायक अरुण वोरा के निवास का घेराव किया है, मृतक के परिजनों को मुआवजे देने की मांग है। कुछ दिन पहले हुई थी सूरज साहू की हत्या। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सूरज साहू हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने विधायक निवास का घेराव किया, मुआवजे की मांग की। विधायक अरुण वोरा के निवास का घेराव कर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। तो दुर्ग में सूरज साहू हत्याकांड को लेकर विरोध किया है। स्थानीय लोगों ने विधायक निवास का घेराव किया, अरुण वोरा के निवास का घेराव किया और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।
रायपुर में पीएम मोदी का दौरा तय, 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को घेरा, कहा जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल नहीं लाए। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, गरियाबंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा, कहा बीजेपी ने ही बनाया धान खरीदी सिस्टम। मुंगेली में मनियारी नदी में मिली लाश की हुई शिनाख्त, खुड़िया इलाके के भेदराम गोट का है शव। बलरामपुर में यात्री बस ट्रक की टक्कर, हादसे के समय बस में सवार थे 12 से ज्यादा लोग, सभी यात्री सुरक्षित। औरदाबाजार में बस ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 यात्री घायल। अंबिकापुर में भालू ने महिला पर किया हमला, धान की फसल देखने गई थी महिला घायल, महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। बलरामपुर के कोटराही पारा में हाथियों का उत्पात जारी, 18 हाथियों के दल ने मचा उत्पात, धान की फसल को किया चौपट। जशपुर में पथलगांव को जिला बनाने की मांग को लेकर निकाली गई रैली, ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले निकाली गई रैली। दुर्ग में सूरज साहू हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने विधायक अरुण वोरा के निवास का किया घेराव। जगदलपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों की चिरान लकड़ी के साथ पिकअप जब्त। मुर्दाबाजार में 12 मवेशियों को महानदी में फेंकने का वीडियो आया सामने, ट्रैक्टर में भरकर मवेशियों को महानदी में फेंका गया। दुर्ग में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली शव यात्रा, पुतला दहन का भी किया था प्रयास। जगदलपुर में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन, बीजेवाईएम ने निकाली सरकार की शव यात्रा, बीजेवाईएम ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। महासमुंद में तस्करों से 2.5 करोड़ की प्राचीन मूर्तियां बरामद, 10वीं-11वीं सदी की प्रतिमाओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एक फरार। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी, नमस्कार।